हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 7, मतलब वो नंबर देखते ही पहचान लो क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो, इसका एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है। वो क्या होता है, सपोज हमारे पास ना एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है 37692, ठीक है। इस नंबर को देखो, इसका जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 2 है, इसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और बाकी के जो नंबर्स बचे 3, 6, 7, 9, ये नंबर्स बचे, इनमें से इसको जो है कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर है। जो आंसर आएगा, या तो आंसर आपका 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो, इसको करो 3679 - 4, तो यहां पर क्या बचा 3674। ये छोटा नंबर हो गया, इसके कंपैरेटिवली ये नंबर एक छोटा नंबर है, ठीक है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो देखो 7 5s are 35, कितना बचा 1, ये आया 7 यहाँ पर। 7 2s are 14, कितना बचा 3, ये 5 आ गया। 7 5s are 35, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है यहाँ पर, ये क्या है, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर है। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ये हमारा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, ठीक है। अब चलो हम बाकी के नंबर्स जो है वो टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला एक नंबर है, वो है 826, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट जो है वो 6 है ना, तो क्या करेंगे, 6 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करूं, सब्ट्रैक्ट करो जो बाकी के नंबर्स है 82, 82 माइनस 6 2s are 12, कितना बचा, यहाँ पे बच रहा है 70, है ना। तो देखो 70 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, क्लियर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमारे पास 117, लास्ट में क्या है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, ये जो बचा हुआ है 11 से ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 3 तो 7 का मल्टीपल नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर है। इसका थर्ड पार्ट देखो, हमने एग्जांपल में कर लिया था, वो समझा दिया मैंने आपको। अब हम करते हैं इसका एक और पार्ट, यहाँ पर है, ठीक है, लास्ट में क्या है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी के जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 602 में से जब इसको माइनस करते हैं 2 को, कितना बचा 600, है ना। अब देखो 600 ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है 7 से जाएगा, यानी 7 से डिवाइड करके देख लो, है ना। 7 8s are 56, है ना, कितना बचा 40, और 7 5s are 35, तो 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये नंबर नहीं डिविजिबल है 7 से, क्लियर है, ठीक है। चलो तो इजी हो गया, आप बहुत बड़े नंबर को डिवाइड करो, उससे अच्छा ये कि छोटे से नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक और पार्ट है इसका। यहाँ पर वी हैव, फिफ्थ पार्ट में वी हैव 14126, इसको डिवाइड करना है हमें 7 से। तो देखो 6 को जो लास्ट डिजिट है उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी के जो नंबर है उनसे सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। सॉरी, इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1400, तो हमें तो पता है ये 7 2s are 14, है ना, तो ये कितने टाइम जाता है 200 टाइम्स चला जाता है, इसका मतलब यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए, है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इन द नेक्स्ट वीडियो, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, वी हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 8। किसी हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, जस्ट उसको देखकर थोड़ा सा उसमें कुछ कैलकुलेशन करके, ठीक है। देखो तो सपोज हमारे पास ये नंबर है 8364, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे, 1s, 10s, 100, इन 3 डिजिट को देखकर हम बताएंगे अगर ये 3 डिजिट
8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 364 को तुम डिवाइड करके देखो 8 से, है ना, कितना हो जाएगा 8 4 32, कितना बचा 4, है ना, यहां पे आया 4, तो 8 5 40 बचा 4। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, क्लियर है, तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक, अब हम चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वो नंबर हम पता लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखो तो सपोज अगर हमारे पास नंबर है 2138, ठीक है, तो लास्ट के तीन डिजिट ले लेंगे हम 138, 8 से डिवाइड करके देखो 8 1 8, कितना बचा है यहाँ पर 5 और 8, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है ना, 8 7 8 56 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं है 8 से। क्लियर, चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3 6 7 9 2, लास्ट के तीन डिजिट ले लो, ठीक है, 1 10 100, इनको डिवाइड करके देखते हैं हम 8 से, है ना, 8 9 72, बचा कितना 7 और 2, है ना, 8 9 72, तो 99 से ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, देखो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, क्लियर है। तो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट से कितना इजी हो जाता है किसी भी नंबर को पहचानना, है ना, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इसको चेक करके देखते हैं हम लास्ट के तीन डिजिट लेकर, तो देखो 8 8 64, बचा कितना 3 4, तो देखो 34 तो 8 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, यहां पे देखो क्या है लास्ट में 9 7 6, ठीक है, अच्छा सॉरी ये फिफ्थ तो हमने भी करा था, है ना, इसका सिक्स पार्ट देखते हैं हम, यहां पर है हमारे पास 1 7 9 0 1 8 4, लास्ट में क्या है 184, ठीक है, 8 से करके देखो 8 2 16, कितना बचा 2 3, 8 3 24, 0 रिमाइंडर, इसका मतलब यस ये नंबर देखो 8 से डिविजिबल होगा, कितना इजी हो गया ना। चलो अब हम 9 से करके देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9, किसी भी नंबर को हम 9 से उसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं उनके नंबर्स का सम निकालते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, इनको ऐड करके देखो 10 और ये 80, क्या 80 9 की टेबल में आता है, आता है, इसका मतलब तो ये नंबर भी डिविजिबल भी होगा 9 से, ठीक है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था वैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, क्लियर है। चलो एक और देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 3 3 3 3, तो देखो 3 4 12 12 आता है 9 की टेबल में, तो नहीं, इसका मतलब नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हुआ, क्लियर है। तो चलो एक और करके देखते हैं एग्जांपल इसका, यहाँ पर है हमारे पास 9 8 7 1 2, सबको ऐड करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 27, 27 9 की टेबल में आता है, आता है 9 3 27, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो गया, क्लियर है, तो कितना इजी है ना। चलो अब हम करते हैं एक और पार्ट, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये थोड़ा बड़ा सा नंबर है, तो देखो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर। चलो एक और देखते हैं हम, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका, यहाँ पर हम देखो सबको सम करते हैं, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 10 14 15 27 27, 9 की टेबल में आते हैं, आता है, इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, क्लियर है। अब चलो देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, ये बहुत ही सिंपल है,
किसी भी नंबर के अगर लास्ट में जीरो आता है तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास नंबर है 5790, देखो लास्ट में जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। एक और लेते हैं हम, इसके लास्ट में जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये तो चलो बच्चों को भी बोला इजी है ना, लास्ट में जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 10 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। 11 का डेरिवेटिव टेस्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन। वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कॉमेंट कर देना।